गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक थोड़ा लॉस ऑफ ग्रिड से हटके है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का बेस करके है। तो आज मेरा टॉपिक है एक्लिप्स के ऊपर, यानी कि ग्रहण के ऊपर। हर साल कुछ ना कुछ दो तीन तो जैसे भी हो जाता है, सोलर एक्लिप्स हो, लूनर एक्लिप्स हो जाता है। तो लेकिन हम जब मैं छोटी बच्ची थी या पहले के ज़माने में, तो हमें कहा जाता था कि नहीं, आप सब एक ही जगह पे बैठिए, वो ही जो टाइम पे वो एक्लिप्स होता है तो उसका वही टाइम पे ज़्यादा इफेक्ट रहता है, तो आप लोग बैठ जाइए एक ही जगह पे। कोई कोई पंडित लोग बोलते हैं कि ध्यान कीजिए तो वही टाइम पे वो अच्छा प्रभाव डालेगा। तो हमें जो कहा जाता था वो कितना प्रतिशत सही है, कितना परसेंटेज वो ट्रू है, नहीं वो हमें मानेंगे या नहीं मानेंगे। ज्योतिष में लिखा गया है कि नहीं मानिए, लेकिन आजकल साइंटिस्ट कुछ मत मानिए, आप देखिए वो सनग्लासेस यूज करके आप आई को देख सूर्य को देख सकते हैं। सो आज मेरा टॉपिक है कि हमें ग्रहण को मानना चाहिए, एक्लिप्स को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। उससे पहले ये बात आता है कि आजकल हमारा इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि कोई वो सोचने की बात ही नहीं आती कि हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। जैसे भी ऑफिस जाना पड़ता है, आजकल तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का छुट्टी नहीं है कि, और फिर प्राइवेट एम्प्लॉय की छुट्टी भी नहीं रहता है जो हम बैठ के वही टाइम पे ध्यान कर सकें। हाँ, अगर लूनर एक्लिप्स आ गया तो रात को छुट्टी, लेकिन सभी का तो रात को भी छुट्टी नहीं होता है, तो ऐसे में रहता है। लेकिन मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, आज उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जुआ रणभट्टा, ये क्या है ना, जिस दिन हम पूर्णिमा हो या अमावस हो या एट्थ डे फ्रॉम पूर्णिमा और एट्थ डे फ्रॉम अमावस, तो वही टाइम पे क्या होता है, समुंदर स्विलिंग होता है, उसका पानी ऊपर आता है। खाली समुंदर का पानी नहीं, रिवर का पानी भी आता है, नदी का पानी भी बढ़ता है, उसका लेवल ऊपर उठता है या नीचे घटता है। तो वही टाइम पे क्यों होता है ना, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो वही टाइम पे वो तीनों मासिक, यानी कि सूर्य एंड चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे रह जाते हैं वही टाइम पे। और जिस दिन पूरा उनका सेंटर से सेंटर पूरा हो जाता है, उसी दिन हम एक्लिप्स होता है। लेकिन ज़्यादातर वन साइड पे एक ही सेंटर पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे रह जाते हैं। तो जिस दिन वो स्ट्रेट लाइन पे रह जाते हैं, उनका रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा हो जाता है, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। सो वो क्या करते हैं कि वाटर को अपने तरफ खींचते हैं, इसीलिए ज्वारभट्टा होता है, ये जनरल नॉलेज है। लेकिन आज मैं बताती हूँ कि हमारा बॉडी भी तो पंचतत्व से बना है, अगर कोई माने नहीं माने, लेकिन पंचतत्व में से वो जल एक तत्व है, तो हमारे बॉडी में जल तत्व रहता है। तो जिस दिन ज्वारभट्टा होता है, जिस दिन ओशन पे स्वेलिंग होता है वाटर लेवल, वही टाइम पे तो हमारा बॉडी पे भी होता होगा या नहीं होता होगा, ये कभी बैठ के आप सोचिए, नहीं होता होगा कि होता होगा। तो अगर जैसे हमें मना किया जाता है कि नहीं, आप पूर्णिमा या अमावस को समुद्र को नहीं जाइए, क्यों नहीं जाइए ना, वो इम्बैलेंस होता है, वो ही ओवर टाइम पे बैलेंस नहीं रहता है समुद्र, तो वही बात तो सेम टू सेम है। जिस दिन अमावस होता है या पूर्णिमा होता है, सोलर एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स होता है, वही टाइम पे हमारा बॉडी पे जो वाटर लेवल है वो या जल का तत्व है वो इम्बैलेंस होता है। तो हम उसी टाइम पे हम डिफरेंट वर्क कैसे कर सकते हैं या कैसे शुरू कर सकते हैं, तो इसी दिन हमारा मना किया जाता है कि नहीं, सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स जो जिस दिन होता है, हमारा कौन सा भी शुभ कर्म हो या कौन सा भी काम स्टार्ट करने के लिए मना किया जाता है। इसका रीजन यही है, क्योंकि इसका साइंटिफिकली रीजन वही है कि उस दिन हमारा माइंड बहुत इम्बैलेंस होता है, हम बैलेंस नहीं रहते उस दिन। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बैलेंस माइंड एक अच्छा काम कर सकता है, एक बैलेंस माइंड हर काम को पॉजिटिव के साथ कर सकता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यही मानते हैं कि जिस दिन सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स होता है, वो दिन कुछ ना कुछ सेलेस्टियल बॉडीज पे कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, स्पेस में या यूनिवर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। हम लोग सभी लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं देते, एस्ट्रोनॉमी पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता ना, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। सो कुछ ना कुछ अगर चेंजेस होता है, तो हम इतने छोटे प्राणी हैं, सोचिए यूनिवर्स इतना बड़ा है। मैं एक सच्ची बात बोलूं कि मैं खुद को बहुत छोटा सोचती हूँ। क्यों छोटा सोचती हूँ मैं, जब
इतना बड़ा यूनिवर्स की बात सोचने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कौन हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। देखे तो मेरे पास इतना तो कुछ सुपर पावर नहीं है ना। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है सुपर पावर ना पूरे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, एक एनर्जी है जो हर पॉजिटिवनेस को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करता है। लेकिन हम अगर पॉजिटिव होने लगेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, अगर नेगेटिव होने लगेंगे नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। और एक बात मैं यहाँ पे बोल दूँ कि मैं देखी हूँ नेगेटिविटी बहुत स्ट्रांग होता है और पॉजिटिविटी बहुत वीक होता है। आप खुद ही सोचिए, मैं अगर पिक्चर की बात करूँ या विलियंस की बात करूँ, आप सोचिए विलियंस का बहुत ग्रेट रोल और ग्रेट इम्पैक्ट और ग्रेट एक रहता है, बहुत वो लगता है कि बहुत स्ट्रांग है वो, लेकिन हमेशा हीरो या कुछ जो भी होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। लेकिन उनका इंटीरियर यानी कि जब वो आते हैं औकात पे तो दिखाते हैं अपना औकात, लेकिन हमेशा ये मुझे लगता है कि नेगेटिविटी हमेशा स्ट्रांग होके रहता है और पॉजिटिविटी हमेशा वीक होके रहता है। और जब जरूरत पड़ती है वो अपना इंटरनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसको काइनेटिक पे कन्वर्ट करके करता है। मुझे लगता है कि नेगेटिव के पास पोटेंशियल इतना पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहता, वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी पे दिखाता रहता है। ये बात मैं अगले किसी दूसरे एपिसोड में बताऊंगी। तो आज मेरा जो टॉपिक है तो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के टाइम में हमारा माइंड इम्बैलेंस होके रहता है, तो वो ही टाइम पे हमें कूल डाउन होके रह जाना चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो मैं देखी हूँ कि आजकल लोग काम काम करते रहते हैं, व्यस्त होते रहते हैं। अगर वो ही टाइम पे वो और भी काम करेंगे तो उनका बॉडी में वाटर का जो तत्व है वो बहुत ही बिगड़ जाएगा। लोगों को लगता है कि नहीं खाली हेल्थ इशू आए तो नहीं दिखाई दिया कि नहीं सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स हो रहा है तो हेल्थ इशू आया तो हेल्थ थोड़ा खराब हो गया। लेकिन मैं आजकल भी मैं देखी हूँ कोई कोई लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स के दिन भी बिरयानी खाता है, चिकन बिरयानी खाते हैं और बहुत सारे नॉन वेज आइटम्स भी खाते हैं। बहुत सारे जो मैं नॉन वेज की बात इसीलिए किया है क्योंकि वो टाइम पे हमारा बॉडी इम्बैलेंस होता है, वो टाइम पे हमारा जो इंटेस्टाइन है उसको वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए हमारा तबीयत खराब होने का चांसेस भी ज्यादा है। खाली सोलर एक्लिप्स और लोनर एक्लिप्स खाली फिजिकल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं। आजकल लोग इतना गुस्सा कर रहे हैं कौन से चीज को, मैं बहुत जनों को देखी हूँ, बहुत सारे लोग भी वो यही एक ही सिचुएशन होगा, कुछ लोग उसको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, कुछ लोग उसको बहुत ही बिगाड़ के हैंडल करते हैं। वही सेम होता है, आप सोचिए वही वर्क एक ही सेम ही होगा या एक ही सेंटेंस होगा, कोई लोग उसको अच्छे तरीके से लेते हैं कुछ लोग बुरे तरीके से लेते हैं, तो यही अंतर होता है कि मेंटल फिटनेस का यही अंतर होता है। मैं एक ही लास्ट कहना चाहती हूँ कि सोलर एक्लिप्स टाइम में या लूनर एक्लिप्स के टाइम में आप लोग चुप होके बैठ के अपने आप को बैलेंस कीजिए और उससे आने वाला जो नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाइए और पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।